Assalamualaikum, this is Shahzeb and you're watching Zebitech. तो कैसे हैं आप सब? Let me know in the comment section. आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा Samsung के एक entry level smartphone के बारे में, जो कि है Samsung Galaxy A02s. अब ये budget range का entry level का Samsung का सबसे सस्ता smartphone होने वाला है, जो कि 15 से 20,000 की range में हो सकता है. तो आज की वीडियो कंप्लीट इसी के बारे में होने वाली है. अगर आप एक बजट रेंज के स्मार्टफोन लेना चाहते हैं सैमसंग की तरफ से, तो आपको ये स्मार्टफोन अच्छा लग सकता है. और इसकी जो लॉन्च डेट है, कब तक इसको लॉन्च किया जा सकता है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, और जो प्राइस रेंज है, यानी कि प्राइस एग्जैक्ट क्या हो सकती है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा. और चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भाई कोई न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट. सबसे पहले यहाँ पर बात कर लीजिए इसके डिज़ाइन की. तो इसका बैक साइड से डिज़ाइन हमें कट आउट टाइप देखने को मिल जाएगा, और जो कैमरा मॉड्यूल है वो हमें राउंड रेक्टेंगल शेप में देखने को मिलेगा, और जो कैमराज हैं हमें वर्टिकल शेप में देखने को मिल जाएंगे ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ. और उसके साथ ही हमें जो LED फ्लैश लाइट है वो देखने को मिलेगी, और नीचे वाली साइड पर ही जो सैमसंग की ब्रांडिंग है वो भी देखने को मिल जाएगी. फ्रंट साइड की यहाँ पे बात कर ली जाए, तो फ्रंट साइड पे वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी, और जो डिस्प्ले है वो 6.5 इंच का देखने को मिलेगा. IPS LCD डिस्प्ले होने वाला है, और जो रेजोल्यूशन हैं वो 720 की देखने को मिलेंगी HD+ की, यानी कि 720x1600 पिक्सल्स. तो YouTube वगैरह के वीडियोज़ हैं, आप 720 पर ही वॉच कर सकते हैं. और फ्रंट साइड पर ही हमें जो गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है वो भी देखने को मिलेगी. यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन सी टाइप का रखा गया है जो ग्लास फ्रंट साइड पे है. बैक ऑल दो इसकी प्लास्टिक की ही देखने को मिलती है, और जो इसका फ्रेम है वो भी प्लास्टिक का ही देखने को मिलेगा. नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसके प्रोसेसर की. तो इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर है वो एंट्री लेवल का ही देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइस रेंज ही इसकी वही है. तो उसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 450 देखने को मिलेगा, जो कि एक लो एंड बजट का जो प्रोसेसर है वो है. इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी इतनी, आप नॉर्मल टास्क वगैरह हैं वो कर सकते हैं, और गेम्स की बात कर ली जाए तो लो सेटिंग पर आप रन कर सकेंगे, लेकिन आपको लैग वगैरह FPS ड्रॉप वगैरह ये आपको देखने को मिल जाएंगे. तो अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो आपके लिए ये प्रोसेसर कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा. इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए वेरिएंट्स की. तो इसके दो वेरिएंट्स आएंगे, 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज के साथ, और 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ. और यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप है वो भी EMMC की रखी गई है, क्योंकि बजट रेंज है, एंट्री लेवल रेंज है, तो इसके अंदर हमें वही देखने को मिलेगी. इसके अलावा एंड्रॉयड सिस्टम की बात कर लीजिए, तो इसके अंदर हमें एंड्रॉयड 10 देखने को मिलेगा, 1 UI के साथ, सैमसंग का कस्टम UI के साथ, तो ये एक अच्छी बात है. और मे भी इसके अंदर हमें एंड्रॉयड 11 की अपडेट भी देखने को मिल जाएगी. नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लीजिए इसके कैमराज की. तो फ्रंट साइड पे जो वाटर ड्रॉप नॉच है उसके अंदर हमें 5 MP का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा, और जो बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है उसके अंदर मेन सेंसर 13 MP का, बाकी जो 2 सेंसर हैं उसके अंदर हमें एक डेप्थ सेंसर 2 MP का, और 2 MP का हमें एक मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाएगा. तो कैमराज भी इस रेंज के हिसाब से हमें ठीक ही देखने को मिल जाते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर इसके थिकनेस की बात कर लीजिए, तो ये हमें 9.1 mm थिक देखने को मिलेगा स्मार्टफोन, और जो इसका वेट है वो भी हमें 194 ग्राम का देखने को मिलेगा. तो इसके अलावा यहाँ पे इसकी जो बैटरी है वो 5000 mAh की रखी गई है. इसके अंदर जो हमें 15 वाट की फास्ट चार्जिंग है वो भी देखने को मिल जाएगी. तो और यहाँ पे एक और हाईलाइटिंग फीचर की बात कर लीजिए, तो वह है टाइप सी की कनेक्टिविटी. तो ये अच्छी बात है, एंट्री लेवल का स्मार्टफोन है, इसके अंदर हमें टाइप सी देखने को मिल जाएगी. तो ओवरऑल यहाँ स्मार्टफोन ठीक आपको देखने को मिल जाएगा, इतना खास नहीं कह सकते. प्राइस रेंज के हिसाब से हमें ठीक देखने को मिलता है, और जो इसकी प्राइस है वो under 20K ही होने वाली है, 17 से 18 हज़ार आप कह सकते हैं, जब मे भी 19 हज़ार चली जाए 4 GB 64 GB वेरिएंट की. तो ओवरऑल एक कंप्लीट स्मार्टफोन है, एक जो नॉर्मल यूज़र के लिए फ़ोन होना चाहिए, ये सब उसके जो क्राइटेरिया है उसको मीट करता है. तो अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं और नॉर्मल ऐप्स सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं और इतनी गेम्स वगैरह रन नहीं करते, तो आप ये स्मार्टफोन बाय कर सकते हैं. और यहाँ पर इसके लॉन्च की बात कर ली जाए, तो इसका जो लॉन्च है नेक्स्ट वीक में भी इसका 90% चांसेस हो जाए, या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में तो लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि जो सैमसंग की S21 सीरीज है 14 जनवरी को उसका लॉन्च है. तो उससे पहले पहले ही यहाँ पे जो एंट्री लेवल के स्मार्टफोन है सैमसंग उनको लॉन्च कर देगा. तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसको 1 वीक या फिर 10 डेज के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा. तो बस ये थी आज की वीडियो. अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं. तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को दबा देना, तो नई वीडियो आपके पास आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा. तो मिलते हैं आपकी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.